बोलो क्या तो करो अभी काहे की गर्मी में बाहर ही चेक नहीं बाहर सीख गए बच्चे वेरी गुड अच्छा है पहले कंसिडरेशन का भयंकर सा क्वेश्चन बाकी है वो पहले सल्टा दे बाय दैट टाइम वहां पे पोस्टिंग हो जाएगा मतलब मार्क्स का और लेके आ जाना फिर बाद में तुम लोग का भी सत्कार हो जाए। तीन पेपर्स तो सच में अच्छे हैं, एक दो पेपर्स ठीक ठाक है समझ सकते हैं कि ये ना तीन पेपर तो एक्सेप्शनल है जिसको पता है कि भाई मेरा परफेक्ट है वो है अभी बताने की जरूरत नहीं है तो वर्ण करने की जरूरत पता है 27.5 चलो कंसिडरेशन अरे ये कंसिडरेशन किसके डिजायर से होना चाहिए अब मुझे हर चीज वापस रिपीट करनी पड़ेगी तुम लोग कुछ भी लिखते हो एक्सेप्शन का मीनिंग भी कुछ भी लिखा वन हु एक्सेप्ट इज एक्सेप्टेंस क्या होता है अरे भाई जिसको ऑफर मिला है वो एक में भी ना एक दो पेपर छोड़ के ये टर्म नहीं यूज किया सिग्निफाई अच्छा सिग्निफाई वर्ड नहीं आता तो कन्वे लिख अभी कन्वे भी नहीं पता तो छोड़ दे सी एक्सप्रेस लिख अब बेसिक कुछ भी इंग्लिश नहीं आता तो छोड़ दो सी है क्योंकि इसके साथ साथ इंग्लिश भी है या 15 घंटा पढ़ो 12 घंटा सीए करने के बाद 3 घंटा इंग्लिश सुधारो और क्या कर सकते हो क्योंकि अगर तुमको सिग्निफाई टर्म नहीं आता तो तुमको कन्वे लिखना चाहिए पर किसी ने ऐसा ही नहीं लिखा कि जिसने एक्सेप्ट किया मतलब एक्सेप्टेंस हो गया अरे एक्सेप्ट मतलब क्या वो तो बोलना पड़ेगा ना कि एक्सेप्टेंस मीनिंग क्या है वो तो लिखो बराबर अच्छे से अच्छा रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस है वो भी कुछ भी लिखा है नॉट ऑल ऑब्वियसली वो जो 4-5 पेपर को छोड़ दो 3 एक्सेप्शनल है प्रोमिसर के क्या होना चाहिए प्रोमिसर डिजायर प्रोमिसिया अपने वर्ड्स में वर्ड टू वर्ड बात नहीं करना इसका मतलब कुछ भी लिखना इसका मतलब ये नहीं होता रे प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कुछ किया या कुछ नहीं किया कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है या करेगा या नहीं करेगा मतलब पास्ट हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है फ्यूचर हो सकता है एक्ट के लिए हो सकता है एब्सटिनेंस के लिए हो सकता है तो कीवर्ड्स तो याद रखने पड़ेंगे ना ऐसे कुछ भी लिखोगे थोड़ी चलता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है नहीं मतलब वैलिड भी हो सकता है वॉइड भी हो सकता है ये कि वैलिड है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है वॉइड हो सकता है नहीं है वैलिड ही है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकिन उसका परफॉर्मेंस डिपेंड होता है कुछ इवेंट पे जो हो भी सकता है नहीं भी हो इसलिए तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के परफॉर्म हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ऐसा मीनिंग दिया है तो तुम अपने हिसाब से कुछ भी लिखोगे तो अनफॉर्चुनेटली तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले प्रोमिसर डिजायर वगैरह क्लियर है ना पास्ट हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है फ्यूचर हो सकता है एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है रियल होना चाहिए इल्यूजरी नहीं चलेगा मतलब इट शुड हैव सम वैल्यू some value, any value. Stranger to consideration is allowed, stranger to contract is not allowed. अब आगे बढ़ते Stranger to consideration is allowed, stranger to contract is not allowed. तो stranger to contract is not allowed. या stranger cannot sue समझा ना एक ही बात है ना
एक ही बात है ना, सेंजर तो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है, मतलब सेंजर सूट फाइल ऑब्वियसली जिसका लेना देना नहीं है वो क्यों सूट फाइल कर। इसके कुछ एक्सेप्शंस। अच्छा ये नहीं कर सकता ना, इसी को बोलते हैं प्रिविटी। क्या बोलते हैं? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब नॉट अलाउड, नॉट अलाउड या स्ट्रेंजर कैन नॉट सू। इसका मतलब ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, इसका मतलब दूसरे स्टाइल से समझो तो स्ट्रेंजर नहीं कर सकता, मतलब कौन कर सकता? पार्टी कर सकता। क्या कर सकते हैं? सूट कर सकते। अबे तो ऑब्वियस बात है ना, मदर और डॉटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अंकल का कोई लेना देना नहीं, अंकल सूट फाइल नहीं कर सकता। आपस में कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, अंकल का क्या लेना देना। ओके, बट ऑब्वियसली इससे कुछ एक्सेप्शन है। सिंपल एक्सेप्शन पहले करते हैं। एजेंसी कुछ भी चलेगा, ऑर्डर इधर उधर चलेगा, एक्सेप्शन जरूरी नहीं कि जो मॉड्यूल में दिया वही ऑर्डर से करो। तुम कोई भी पॉइंट पहले बाद में लिखोगे चलेगा, प्रोवाइडेड यू कवर ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स समझा ना, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर से यू शुड कवर एवरीथिंग। इफ दे आस्क यू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाकर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं, स्ट्रेंजर टू फाइल नहीं कर सकता, दैट्स इट, खत्म। फिर उसके बाद सीधा एक्सेप्शन, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन, बिल्कुल नहीं लिखने का अंशन, बकवास काम कीजिए लिखने की, एक्सेप्शन सीधा पॉइंट। क्लियर है? फॉलोइंग लाइन बढ़ जाएगा तो कौन बोल रहा है पढ़ाने को? फॉलोइंग आर द का कुछ मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, खाली एक्सेप्शन लिखेगा, हाइफन वगैरह करना है करो, नहीं तो मत करो, सीधा आगे जाओ एजेंसी। अब एजेंसी के केस में ये होता है पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ में कौन कार्य करेगा? एजेंट। एजेंट किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा? से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर। पेमेंट भी किसको करेगा? कस्टमर को। लेकिन बात एकदम सिंपल है, यहाँ से गुड्स गए सपोज, यहाँ से कैश जा रहा है सपोज, अगर कैश पे नहीं होती तो रियल सेंस में नुकसान किसका होता है? ए का या पी का? नहीं समझा क्वेश्चन। पी का नुकसान होगा या ए का नुकसान होगा? मतलब सूट फाइल कौन करना चाहिए? लेकिन पी कौन है? अलाउड है, लॉजिकल है। अब इसको आंसर देने की जरूरत ही नहीं है ना तुमको, क्यों अलाउड है? नहीं कुछ नहीं, ये तो जनरल है। स्टेट एजेंट मैंने तुमको समझाने के लिए बोला था कि एजेंट को अपॉइंट करने के लिए, मतलब एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। तो ये झगड़ रहा था ना, ये वो झगड़ रहा था ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन करे तो वैलिड है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट एजेंट सारे एक साथ आ जाए, बोल दे कि नहीं भाई वन टाइम 100 रुपीज भरना पड़ेगा, तो हो सकता है ना। कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है कि कंसिडरेशन नहीं होता एजेंसी में? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये बात चल रही है। तो उधर देखो ना, बहुत अच्छा सेंटेंस दिया, परफेक्ट उन्होंने इंस्टीट्यूट ने, कि नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड बोला है, देयर इज नो कंसिडरेशन ये नहीं बोला है। ये क्लियर है? सिंपल पॉइंट। मैंने एक्चुअली इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ये लिखा होगा, असाइनमेंट मिला, अब ये क्या होता है? एंडोर्समेंट सुना है, नहीं सुना है तो इधर से निकल जाने का। मिंट ऑफ एक्सचेंज में एंडोर्समेंट तुमने अकाउंट्स में नहीं सुना है तो निकल जाने का मतलब तुमसे नहीं होगा। अनलेस अनटिल 12th में मिंट ऑफ एक्सचेंज अगर तो हुआ नहीं है तो बात अलग है।
लेकिन जिनका हुआ है और जिनको याद नहीं है वो समझ आना भूल गए। ये मैं जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, जर्नल एंट्री भूल सकते हो तो वापस रिवाइज कर लोगे, लेकिन तुमको एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, रॉ ड्रॉइंग भूल गए। अब मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मैं लास्ट पिक्चर बोला था धीरे धीरे मैं स्ट्रिक्ट होऊंगा, क्योंकि नहीं हो जाऊंगा तो फिर तुम हम लोग मजे मजे करते करते सिलेबस कम्प्लीट करेंगे, लेकिन पेपर में वो नहीं चाहिए मुझे, वो मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो इधर असाइनमेंट लिखा है सर, सेम लॉजिक है इसको, इस इधर ना तुम ये भी लिखोगे तो भी सेम ही बात है। क्या लिखा पेपर में मत लिखना अभी समझाने के लिए, कौन होता है बिल्स ऑफ एक्शन में पार्ट, एस वाई जी सी बिल्स ऑफ एक्शन जो है ये भगवान तो याद है ना, एंडोर्समेंट हो चुका है ना पूरा चैप्टर, तो तुमको वो भी डाउट नहीं है, मतलब एक्सक्यूज किधर हुआ है, अब सीए फाउंडेशन में हुआ किसमें हुआ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं ये क्रॉस चेक नहीं करने वाला कि तुमको जर्नल एंट्रीज आते हैं, मैं सिर्फ मेरे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कौन होता है ड्रॉवर होता है ना रे, और ड्रॉई होता है ना, तो ड्रॉवर क्या करता है बिल चाहे तो एंडोर्स कर सकता है ना, इधर ड्रॉवर कौन बनेगा एंडोर्सर, बराबर इसको करेगा एंडोर्स। अब ड्रॉई पेमेंट करने वाला है, पहले इसको करने वाला था अभी इसको करेगा, ट्रांजेक्शन किसमें हुआ है ओरिजिनली ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बीच में, बराबर। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने। अगर ड्रॉई डिसऑनर करेगा बिल को, मैं तुम्हारे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ अकाउंट्स के, ड्रॉई अगर डिसऑनर करेगा डिफॉल्ट करेगा तो एंडोर्सी सूट फाइल कर सकता है क्या, लेकिन एंडोर्सी स्ट्रेंजर है फिर भी अलाउड है, लेकिन वहां पे वैसा नहीं दिया, वहां पे बस इतना सिंपल है कि एंडोर्सी के जगह पे असाइनी और एंडोर्सर के जगह पे असाइनर, ऐसे समझो बैलेंस शीट है असेट साइड है, ये ऐसा बैलेंस शीट किया है ना, हॉरिजॉन्टल किया है ना, वर्टिकल तो अभी टाइम है ना असेट्स, बराबर। इसमें तो ये भी आता है और इसमें ये भी आता है, ठीक है, इसमें ये भी आता है, ये दोनों सेम है ना, बेटा ना छोट बाद में कर, बिल रिसीवेबल भी आता है डेटर्स भी आता है, दोनों सेम ही है ना, नहीं समझा, अरे बिल ड्रॉ किया है तो सामने वाला डेटर नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो दोनों केस में क्या है डेटर ही, डेटर के केस में असाइनमेंट लिखने का, बिल्स रिसीवेबल केस में एंडोर्समेंट लिखने का बात करो, असाइनमेंट होता क्या है ट्रांसफर ऑफ राइट, अब एंडोर्समेंट में भी क्या होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम हूम फ्रॉम ड्रॉइंग, तो लॉजिकली सेम हो गया, लेकिन पेपर में लिखते टाइम असाइनमेंट में क्या लिखने का असाइनी एंड असाइनर, असाइनर मतलब कौन एंडोर्सर, शॉर्ट में अगर सिंपल वर्ड्स में समझ रहे तो ये भी समझा तो भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, दिमाग में खट से आना चाहिए कि कौन था एंडोर्सर, क्योंकि कितने सारे तुमने एग्जांपल्स किए होंगे बिल्स ऑफ एक्शन में ऑब्वियसली, तो आना चाहिए खत्म कॉन्सेप्ट, मेरे सबसे सबसे सिंपल था एजेंसी ये दोनों सिंपल पॉइंट्स, ओके लेते हैं आपको ओके असाइनमेंट ओका, थर्ड पॉइंट इसमें कोई डाउट नहीं है ना, मेरे को चाहिए नहीं वापस मिस्टेक, इसमें फालतू फालतू पेपर लिख रहा मेरा दिमाग खराब हो गया,
तो मैं लेने वाला हूँ, अलग बात है सेपरेटली, इधर मुझे कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन योर एंटायर सिलेबस, रादर आई वुड से कि द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मगजमारी नहीं है, इसमें खाली लॉजिकल याद रहेगा तो बात खत्म। हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, सपोज कंपनी एक्ट में आते तो उसमें मगजमारी है कि प्रोसीजर पानी उठ जाएगा जी। चले आगे, क्लियर है? थर्ड पॉइंट ट्रस्ट, थोड़ा डिफिकल्ट है। से फॉर एग्जांपल राम गए वनवास, रामायण पे मूव, राम वनवास गए उसके बाद पता ना तुम्हें पॉलिटिक्स करके भेजा, नहीं पता? नहीं पता ही नहीं, ओके हो सकता है, बेसिक स्टोरी नहीं पता, हो सकता है, नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। राम वनवास गए, प्रॉपर्टी राम की किसको मिली? भरत को। तुमको समझ में आ जाएगा दूसरा ये, तो टेंशन मत। उसके पीछे भरत जाते राम को वापस कन्विंस करने की, भाई जो भी हुआ गलत हुआ, मेरी प्रॉपर्टी छीन के तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन के मुझे बेटा दी, तो काम करो आप चल दो वापस चलो। तो राम बोलते हैं नहीं, प्रॉमिस इज प्रॉमिस। अब भरत के भरत फिर भी राम जी के स्लीपर्स लेके आते हैं, ऐसा सीन है, पादुका स्लीपर ऐसा बोलना है बोलो, और वो थ्रोन पे रख के राजगद्दी पे रख के पूरा राज्य चलाते हैं। अगर इसको अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो राम के प्रॉपर्टी का बनता है ट्रस्ट, राम के प्रॉपर्टी को संभालने के लिए भरत अपॉइंट हो जाता है एज अ ट्रस्टी, तो ट्रस्टी कौन है? भरत। ये समझा? अब पूरी प्रॉपर्टी 14 साल तक जो राम संभालना चाहिए वो कौन संभालेगा? भरत। भरत कौन है? ट्रस्टी। भरत को सारे पावर्स मिलेंगे जो राम को मिलते, तो भरत पूरा राज्य चलाएगा लेकिन राम के बेनिफिट के लिए, तो राम बनेगा बेनिफिशियरी। अब भरत को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो सपोज भरत ने रावण के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और रावण ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो रियल सेंस में नुकसान भरत का होगा या राम का होगा? इतना तो समझ में आ गया होगा ना, ट्रांजेक्शन राम का होगा, तो सूट फाइल कौन करना चाहिए? बस खत्म। तो राम कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट, वापस एक बार युद्ध होगा, हम अलग से युद्ध करेंगे। हमको क्या लेना देना है वो सीता को अपहरण किया वगैरह, हमको उससे कोई लेना देना, हमको हमारा कॉन्टेक्स्ट सुन लेने का, जितना अपने रिलेटेड सीखने लायक है वो पार्ट उठा लेने का, बाकी समझ लेने का कचरा है, टाइम पास है, कचरा नहीं बोल सकते, टाइम पास है। देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल 100% वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। द क्वेश्चंस उसके एकदम लॉजिकल पकड़ चाहिए बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल एजेंसी जैसा हो गया। एक्चुअली क्या होता है ना, रियल सेंस में हम सेटलर होता है, तो वहां पे टर्म यूज किया सेटलर, ऑथर या सेटलर, वो कौन होता है? वो दशरथ होंगे। दशरथ बोलेंगे कि काम करो बेटा, हे भरत प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनाते हैं, मैं बनाता हूँ, मैं तो अभी राजनीति को ऊपर जाने वाला हूँ, राम को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए लेकिन 14 साल उसको बाहर रहना है, तो उसके प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बनाते हैं, तू संभाल राम के किसके लिए? बेनिफिट के लिए। समझ में आया? तो भरत क्या सोचता है कि अगर रावण पैसा नहीं देगा तो मेरा थोड़ी एक लोग, मैं इसके लिए राम से प्रॉपर्टी संभालू,
अब धार्मिक वे से मत देखना केस को, एक तो मैं इसके बिहाफ में प्रॉपर्टी संभाल और मगजमारी भी मैं ही सहन करूँ, मतलब कोर्ट में जाऊं सूट फाइल करूं, मैं नहीं करता जा इसको बुरा लगेगा, इधर ये धर्मात्मा नहीं है, इधर एक इंडिविजुअल की तरह समझो, करेगा ना सूट फाइल, अब बिल्कुल वो तो चांस ही ढूंढ रहे कब इसके अगेंस्ट भिड़ू मैं, सीता नहीं मिले तो ये बहाना चाहिए लड़ूंगा, बराबर है ना, अबे अवतार इसी के लिए हुआ है ना मेरा, केस से लड़ू तो लड़ जाते हैं क्या फर्क पड़ता है, माना कोई भी सीता सही या रस सही क्या फर्क, समझा, अब वो तो राम जी को आदत है ना, ये तो ये भी इसके अंडर भी थे ना वो सुग्रीव वाली, जिसने देखा होगा उसको पता होगा, तो वाली को मारा किसने, राम ने, चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए ना, झगड़ा किस में चल रहा है सुग्रीव और वाली के बीच में, बीच में नहीं आना चाहिए ना, पर आए ना तो ये फिर भी उसमें आए तो इधर तो आएंगे, अब मैं गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लॉजिक से हिसाब से बोल रहा हूँ, पता है ना, जिसने देखा उसको रिलेट होगा, जिसने देखा उसको, दो वानर थे, सुग्रीव अपने को सपोर्ट करने वाला है तो सुग्रीव की हेल्प करते तो वाली को मारना पड़ेगा, वाली आ जाता तो सुग्रीव को मार देते और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, या कुछ धर्म वगैरह कुछ नहीं, पॉलिटिक्स है, जो मुझे वोट देगा वो मेरे लिए हीरो है, अच्छे दो लोगों के झगड़े मेरा नाम, मुझे आर्मी मिल गई, एनीवेज ये क्लियर है, तीन पॉइंट ट्रस्ट क्लियर है, दिस इज हाउ आई लुक एट रामायण, डोंट माइंड, क्योंकि मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता रामायण को, और मैं उसको ऐसे भी नहीं देख सकता, पॉइंट थ्री क्लियर है, ट्रस्ट पक्का, कोई डाउट नहीं, तो ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी कैन फाइल अ सूट ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई भी एग्जांपल हो सकते हैं, छोटा बच्चा है उसके प्रॉपर्टी का ट्रस्ट बना है, एक को ट्रस्टी अपॉइंट किया है, वो सूट फाइल नहीं करना चाहता क्योंकि उसका रियल नुकसान है ही नहीं, तो वो क्यों करे, तो छोटा बच्चा फाइल कर सकता है सूट, माइनर तो सूट फाइल कर सकता है ना, माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं हो सकती, बेनिफिशियरी करेगा सूट फाइल, बिल्कुल कर सकते हैं, समझा, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे भी कर सकता है, मेजर है तो भी कर सकता है, भरत और रावण के बीच में, हाँ ठीक है कर सकता है, लेकिन एक्चुअली ट्रस्टी माइनर हो ही नहीं सकता मैं, ये सब काम करने के लिए बंदा अच्छा खासा नॉलेजेबल चाहिए, सिर्फ माइंड मेजर भी नहीं चलेगा, ठीक ठाक सेंसिबल पर्सन होना चाहिए ट्रस्टी संभाल में, ट्रस्ट भयंकर चीज है, क्लियर है, खत्म, तीन पॉइंट खत्म, चार मेरे दादू और मेरे दादू जी भैया, दादूज ब्रदर, इन दोनों बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माय दादू एंड दादू जी ब्रदर, समझो ध्यान दे, पहले तो दोनों एक साथ रहते थे, दोनों के बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार, कुछ प्रॉपर्टी दादू के नाम पे, कुछ प्रॉपर्टी दादू जी के भाई के नाम पे, समझा, अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये प्रॉपर्टी थी ये प्रॉपर्टी मेरी, अब दादू जी की डेथ हो गई डिफॉल्ट हो गई ना, अभी सच में तो उनको वापस मारने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिली, समझ में आ गया, अब बीच में बापू किधर गए वो सब बंदबाती नहीं करने के, दादाजी ने सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी, क्योंकि दादाजी के प्रॉपर्टी पे सबसे अच्छा हक होना चाहिए पोते का, मुझे मिल गई, इमेजिन करने में प्रॉब्लम क्या है, तो कर लिया इमेजिन, अब इनके जाने के बाद दादाजी ब्रदर मुझे आने नहीं दे रहे, कहने फाइल सूट है कि दादाजी ब्रदर, बट आई एम नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट,
स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ए तुम नहीं सूट फाइल कर सकते, तुम्हारे दादाजी और मेरे बीच में बात हुई थी। अरे लेकिन वो नहीं है ना, और आप ये भी तो नहीं बोल सकते कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा लेना देना नहीं है। ऑफकोर्स मेरा लेना देना है, उनके बाद प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं ही आऊंगा ना पिक्चर में, वो थोड़ी आएंगे ऊपर से नीचे। ये आ सकते जंगल से शहर में, ये नहीं आ सकता ना ऊपर से नीचे, ये वनवास से आ सकते ना। भाई फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के लेके आ जाना, किधर से आएगी फ्लाइट, वो राम से ले, रावण से ले लेना उधर पुष्पक विमान, हमको नहीं पता, वो आ जाना। ये किधर से आएंगे रे, तो मैं फाइल करूंगा ना शूट। सर तुम क्या लिखा है, फैमिली पार्टीशन या फैमिली सेटलमेंट है? दादा के बापू का लेना देना है, क्यों करेंगे? मैंने इसलिए बोला ना प्रॉपर्टी मेरे नाम, नहीं कर सकते दो जन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या लेना देना है, तो है ना सर लेना देना, इसीलिए तो है, नहीं तो कौन झमेला पाले। अब तेरे केस में मैं नहीं जा सकता ना कोर्ट में, अरे तुम क्यों आए, नहीं बच्ची का दूध देखा नहीं जा रहा है, तो उसको आने दे, तू बता उसको आने दे, और वो नहीं आना चाहती तो उसको रहने दे घर पे, तू उल्टा इतना सारा कोर्ट का मैटर्स बढ़ रहा है उसमें और मत बढ़ाओ झमेला, समझा? जो जिसके साथ इंजस्टिस हो रहा है उसने आना चाहिए, कोई दूसरा आने की जरूरत नहीं है। वो पीआईएल अलग है, पीआईएल इज द एक्सेप्शन, पीएल में जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होते हैं, तो तेरे बेनिफिट के लिए मैं नहीं जा सकता कोर्ट में, लेंगे जनरल सोसाइटी के लिए जा सकता। अभी तो क्वेश्चन पूछा गया इसलिए कभी कभार क्वेश्चन उसके चेहरे पे दिख, मतलब आज अभी नहीं तो 5 मिनट बाद आ जाएगा, बट दैट शोज योर अलर्टनेस। हाँ ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्लियर है। ये बहुत विचित्र पॉइंट है, और तुमको कल होमवर्क देना चाहिए था, मैं भूल गया। ठीक है व्हाट एवर इट इज, नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम अभी कर सकते हो। तभी नहीं किया तो क्या हुआ, अभी कर सकते हो, आज घर पे जाके चेक करो, मैं बता तो होमवर्क क्या है, फिर उसको अप्लाई करना, फिर हम लोग वापस डिस्कस कर सकते हैं। एस्टॉपल और एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, भगवान गया यार, फटका है दर्द, देखते होना तो चाहिए, ठीक क्लियर है। अच्छा एस्टॉपल का मतलब वंस यू स्टेट समथिंग लेटर यू कैन नॉट डिनाई, व्हिच मींस अगर मैंने तुमको मुझे इसको पैसे देने, मैंने ये बोल दिया कि भाई जो पैसे देने हैं ना वो ये दे देगी, मान जाएगी ये, लेकिन ये खुद बोल देगी हाँ सर को जो पैसा देने है ना वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो अभी ये किससे रिकवर करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ है, तो इस केस में ना स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं करेगा, स्ट्रेंजर के अगेंस्ट सूट फाइल होगा, या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल होगा। कौन सी पार्टी,
जो एक्नोलेज करेगी, क्या करेगी एक्नोलेज, डेट, जो मेरा डेट है वो ये एक्नोलेज करेगी। एक्नोलेज का मतलब रिसीव करेगी कि सर का पेमेंट है ना एज गुड एज मेरा पेमेंट, तो जो सर पे करने वाले थे वो मैं करूंगी। कितना बाकी है? 5,000 हमें देने के लिए तैयार। तो अभी मेरा सीन क्लियर ना, मैं नहीं अभी मैं बोलूंगा मैं क्यों करूं ये, अब नहीं भरेगी तो सूट फाइल करे, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी है। खुद आप एल मुझे मारे तो हम क्या कर सकते लॉ बोले, नहीं कर सकती देखा जाए तो, लेकिन खुद एक्सेप्ट कर रही है तो क्या, तो मैं तो निकल जाऊंगा ना, तो किसको पकड़ेगी, तो कोई पकड़ेगी। एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट, अब इसका क्या लेना देना सर एस्टोपल से, एस्टोपल से इसका क्या लेना देना, पता है, वंस यू स्टेट एनीथिंग, वंस यू मेक एनी स्टेटमेंट लेटर यू कैन नॉट डिनाई दैट स्टेटमेंट। अब लेटर वो चाहे तो नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, एक्सेप्ट किया ना, अभी भरो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सर, अभी किया तो भरो, सिंपल। समझ में आया कुछ नहीं, समझा, समझ में आया। लाइबिलिटी किसकी थी मेरी, तो मैं लायबल ऑब्वियसली, नहीं पे करूंगा तो मेरे अगेंस्ट फाइल होगा सूट। अरे लेकिन ये मान रही है ना कि सर की लायबिलिटी मैं पे कर रही हूँ, कैसे, क्यों सर ऐसा क्यों, मुझे क्या पता होगा, इसको कुछ देना होगा मुझे, तो मैंने क्या बोला होगा, अरे 5,000 देना बाकी है, काम करना उसको दे देना। तो वो बोलेगी कि सर एक काम कर, एक तो तेरा जो भी पेमेंट है ना जो सर देने वाले थे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्यों तेरा क्या लेना देना, अरे तुमको क्या करने का, तुमको पेमेंट से मतलब है ना, वो दे मिस्टर एक्स दे वाई दे जेड दे, तुमको पेमेंट से मतलब है, मिल जाएगा, दे रही है, लेकिन सिर्फ मैं बोलूंगा तो नहीं चलेगा, मैं तो तुम होटल में खाना खाने बैठो और बोलो बिल बाजू वाला भरेगा, भरेगा क्या, लेकिन बाजू वाला खुद बोले कि जाने दो के बिल में भर दूंगा, हाँ क्या हुआ, समझा कुछ, बिल बाजू वाला भरेगा, तुम बोल के बाजू वाला नहीं भर सकता, लेकिन बाजू वाला खुद बोलेगा कि हाँ जाने दो बिल में भर दूंगा, तो फिर होटल वाला किसकी, किससे रिकवर करेगा, समझा, स्टॉपल क्यों। अब सीन कौन सा है वो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अभी फोन से तो अभी नहीं देखना है सीन, लेकिन अभी वो प्ले करके समझाना, इससे पे वगैरह रिकॉर्ड कर लेना। मूवीज नेम इज तेजा, सर हमको समझ में आ गया, नहीं चाहिए तुम्हारे मेमोरी के ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तेजा चंकी पांडे सीन, 3-3.5 मिनट का खाली सीन है, सीन कॉमेडी है, इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो, सबके साथ भी देख सकते हो, आजकल मैं बोलता हूँ फैमिली में सबके साथ, छोटे बच्चे के साथ, सबके साथ देख सकते हो, अच्छा सीन, साफ सुथरा, कोई टेंशन ना। क्या क्या समझा, अभी मैंने कहा 3.5 मिनट का, ये 3.5-4 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, दिस इज होमवर्क है, होमवर्क वापस बोल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा पूरा, तो भी होमवर्क, हाँ देखने का होमवर्क है, और एक बार एंजॉय कर, दूसरी बार सीरियसली देखो, उसका इधर क्या एप्लीकेशन है वो करना है अपने को, रामायण में हमको लेना देना नहीं है, हमको रामायण का इधर का एप्लीकेशन चाहिए, तुम रामायण देखो नहीं देखो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज फार एज सीए इज कंसर्न, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं बोल रहा हूँ, रामायण देखना चाहिए दैट इज वॉलंटरी, मैं देखता हूँ तुम मत देखो, बट एप्लीकेशन चाहिए, और तुमको कोई दूसरे मूवी के सीन में ये कुछ स्ट्राइक हो तो वहां पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ये पता है, और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, इससे अच्छा तो कोई सीन हो ही नहीं सकता प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए, ये तो सुपर सीन है, लेकिन सीक्वेंशियली जाओगे तो टुकड़े टुकड़े करके, पहला ट्रांजेक्शन ओरिजिनली किसका पेमेंट होना चाहिए,
फिर कौन एक्नोलेजमेंट देता है, फिर बाद में कौन एक्नोलेजमेंट करता है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, स्ट्रेंजर कौन है, सूट कौन फाइल करेगा, किसके अगेंस्ट फाइल करेगा, ये अगर एक बार नहीं समझा तो दो बार पढ़, दो बार नहीं तो तीन बार दे। क्या नहीं, एक्नोलेजमेंट ऑफ अ डेट में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है। YouTube पे टाइप करेंगे तो आ जाएगा। 3.5 मिनट का सीन है, देखना चाहिए तो अभी फोन है तो सर्च कर दे। अरे सर, बैंक लोन के टाइम जो लोन लेता है उसका गारंटर है, और सपोज जिसने लोन लिया वो नहीं भरता है तो गारंटर के पास, और गारंटर भी नहीं देता है तो बैंक दोनों के अगेंस्ट फाइल करेगा। दोनों के डबल पेमेंट चाहिए तुमको? नहीं, सिर्फ एक ही। दोनों में से किसी के अगेंस्ट फाइल करेगा, बैंक की मर्जी, बैंक इसीलिए तो डबल सिक्योर कर रहा है ना अपना पेमेंट, चांसेस कम हो जाते हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, दोनों इंस्टॉलमेंट हो सकते हैं, लेकिन भाई ए चांसेस कम है ना। हाँ, एक सेकंड, वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को गारंटी बोलते हैं। हाँ वैसा ही है, लेकिन वो सेपरेट है, वो अलग चीज है, टोटली अलग चीज, समझा ना। स्पेशल सीए इंटर में आता है, इतना अलग है कि उसके ऊपर सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट का 4-5 सेक्शन है, और वो इंटर में आता है, फाउंडेशन में नहीं, इतना अलग है। लेकिन लॉजिकली यू आर राइट, समझा। हाँ तुमको बहुत आगे के डाउट्स आते हैं, विच इज वेरी गुड, बट होल्ड योर क्यूरियोसिटी फॉर अ व्हाइल। मैं भी बताऊंगा, फाउंडेशन भी बताऊंगा गारंटी थोड़ा सा, लेकिन आएगा डिटेल में इंटर में। ये क्लियर है उधर गया? हाँ ये क्लियर है। तो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट होम थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर, कौन थर्ड पार्टी कौन स्ट्रेंजर, जिसने डेट एक्नॉलेज की है, जिसने डेट को एक्नॉलेज, मिल गया ना। चाहिए तो पोस्ट कर ले, मतलब ग्रुप है ना तुम लोग का होगा, उसमें पोस्ट कर दे, और उधर ऐसा मत लिखा ली, क्योंकि फिर लग सकता है कि ये क्या भेज रहे हो सीन्स, उसमें लिखना कि होमवर्क, पोस्ट करोगे तभी। लॉ होमवर्क ऐसे कर, अभी कर। हाँ अभी कर, मैं बोल रहा हूँ ना कर। नीचे कुछ यज्ञेश्वर वगैरह बोलेंगे उसका टेंशन मत ले, मेरे नाम पे बोल देना कि मैंने कुछ बोला था, बाद में भूल जाएगा तो क्या। टेक दिस वेरी सीरियसली, और उसका रीजन है खाली इधर था, ये सेल ऑफ गुड सेट में भी आता है, ये पार्टनरशिप बैंक में भी है, और ये इंटर में भी है, ये कॉन्सेप्ट है एस्टोपल। तो एस्टोपल मक्खन की तरह ऐसे अंदर बैठना चाहिए। नहीं पार्टी नहीं, एस्टोपल का मतलब एक बार तुम कुछ बोलो तो बाद में पल्टी नहीं मार सकते, उसको एस्टोपल बोलते। तो इधर क्या देना देना उसका, थर्ड पार्टी अगर बोले एक बार के बिल में भर दूंगा तो बिल में भर दूंगा। अब सीन देख ले, समझ में आ जाए, कंपल्सरी देखने का है मेरे को, ये नहीं चाहिए ऐसा फालतू होमवर्क, हम नहीं करेंगे। वेरी सीरियस सीन, कॉमेडी है, लेकिन एक बार तुम एंजॉयमेंट के लिए देखो चलेगा, दूसरी बार तुम लोग सीरियसली देखोगे, और वो भी सीक्वेंशियली नहीं समझा तो तीसरी बार देखो। हाँ बोला ना कुछ 3.5 मिनट ही मैंने बोला अंदर, तो उतना ही सीन है, देख 3.5 मिनट है, कोई होमवर्क की तरह देखने के, इसलिए बोला एक एक मिनट अगर वेस्ट नहीं कर रहे हो तो। पोस्ट किया, नीचे लिखा लॉ होमवर्क, नहीं तो फिर अननेसेसरी एजेंट सर फिर या कौशल सर सुनाएंगे, ये क्या भेजता है, अच्छा होमवर्क है, मेरे नाम पे बोल देने का, सर ने बोला है वो मुझे मगज में, इसको इसने भेजने को बोला कि उसके ऊपर मुझे फालतू गिरवी चाहिए, फिर बाद में नहीं मिला नहीं हमको वीडियो, कौन सा वो पता नहीं, हम पूरा पिक्चर देखने लग गए, नहीं चाहिए पिक्चर, नहीं देखने गए पिक्चर 2.5 घंटे का, नहीं देखने गए। हाँ मैंने पिक्चर देखने को नहीं बोला है, मैंने खाली सीन देखने को बोला है, मैंने रामायण सुनने को नहीं बोला है, मैंने खाली सीन बोला।
हाँ जा ना और निकल। अच्छा काम कर, 5 मिनट रुक और निकल। संडे तक है ना तेरा? हाँ लेकिन मैं रुक नहीं सकता ना, ये कौन से कभी खत्म करना। हाँ अभी लास्ट पॉइंट करके तू निकल जा, चलेगा। ए यार ये चलेगा नहीं, इसको मेरे को भी टेंशन आ गया। ये मेरी जमीन है, इसके बाजू में एक और जमीन है, दोनों मेरी है। बीच में आने जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से जंगल है, यहाँ से समुद्र है, पत्थर वाले नदी सब कुछ है, खाली यहाँ से एक जगह है आने जाने के लिए। एक मैं ये जमीन किसी को बेच देता हूँ, बी को। मैं एस हूं मतलब सेलर, बी मतलब बायर। ये जमीन आज भी मेरे पास, मैं बायर को लैंड बेच रहा हूँ तो एक कंडीशन डाल रहा हूँ कि भाई तेरी जमीन है तू यूज कर तेरे हिसाब से, लेकिन आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, समझा? अब मैं आने जाने के लिए पूरा पर्वत नहीं ना तोड़ सकता, एयर माउंटेन पूरा डिस्ट्रॉय कर दो तू मुझे आने जाने के लिए, एयर समुद्र सुख हिस्सा दो, ऐसा थोड़ी होता है। तो गांव में ऐसा होता है कि दूसरे के लैंड से तुमको आना जाना पड़ता है। दूसरे मतलब एक जमाने में जमीन मेरे पास ही थी, लेकिन मुझे अभी बेचनी पड़ेगी, तो छोटी थी, छोटी है, बड़ी मुझे चाहिए, लेकिन छोटी से ही रास्ता है तो क्या कर सकते हैं। तो उसको बोल दिया कि भाई आने जाने का रास्ता है, हाँ उसमें क्या आने जाने का तो बात है, हाँ हो जाएगा, समझा? तो नाउ इट इज हिज ड्यूटी, मेरे जाने के बाद मेरा बेटा सूट फाइल कर सकता है। अरे लैंड मिली तो ही बात है ना, तो इसके अगेंस्ट कर सकता है ना। अच्छा इसके अगेंस्ट भी कर सकता है ना, खत्म पढ़ लो। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोवेनेंट मतलब ड्यूटी। क्या हाँ तो जैसे ये वैसा भी है, क्योंकि ऐसा राइट से लैंड रेडी होता है आने जाने का रास्ता। तू निकलना निकलना तो नीचे पेपर लेके जा। एक काम करेगा अभी तू, पहले पेपर दे और फिर निकल, नीचे जा पेपर ले, पेपर हुए होंगे तो, और वापस निकल, चलेगा ना? तो ठीक है हो जाए, बोल ना। कॉवेनेंट मतलब ड्यूटी, बोलो ना। ड्यूटी रनिंग विद द लैंड,
लेकिन परमिशन दिया ना, परमिशन भी नहीं दिया, वैसे भी अलाउ नहीं करेगा नहीं तो ड्रेस पासिंग होता है दूसरे के जमीन पे। हाँ घूम के जाना पड़ेगा, घूम के रास्ता नहीं है। अरे पर पहले कंडीशन बोला है ना। हाँ तो बात कर दो। तो इवन सक्सेसर ऑफ अ सेलर लिखा है वहां पे। सक्सेसर ऑफ अ सेलर मतलब मेरा बेटा कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट वर्डिंग। सक्सेसर सूट फाइल कर सकता है। सक्सेसर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट होम अगेंस्ट पार्टी। ये पढ़ लिया। इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड मतलब कोवेनेंट मतलब ड्यूटी रनिंग विद द लैंड कैन बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर फ्रॉम द बायर भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं समझेगा पढ़ के। हाँ तो ऐसे तो समझ गया ना, बात करता हूँ समझा ना। तो ड्रॉ कर भाई, ऐसे नहीं समझेगा। हाँ बस क्योंकि दो महीने के बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि ये क्या था, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सर ने बार पढ़ाया नहीं था वगैरह। सर ने बार बार पढ़ाया, तुमने ध्यान नहीं दिया या तुम भूल गए। मुझे चाहिए नहीं, मेरे पे नहीं आने का, मैंने मेरा काम कर दिया समझा ना। अब लिखना तो पड़ेगा लेकिन लिख के समझने तो आना चाहिए। तो समझा दिया। Are you through with this? अब क्या बचा? और एक दो पॉइंट्स होंगे तो मैरिज आऊंगा। हर चीज में मैरिज लेके आते हैं वो। इसलिए मेरा फर्स्ट लेक्चर में मैं नहीं होता वो टॉपिक थोड़ा आई अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ऐसे मजे लायक नहीं है। वो क्या अब जाने तो मुंह मत खोलो। बिना एक्सपीरियंस के बहुत नॉलेज मिलेगा। इज अ वाइज पर्सन। वाइज पर्सन वो होता है ना कि जो खुद नहीं गलती करे, दूसरे की गलती से सीखे। कहीं ऐसा रहता है कि फिर भी कर ले। वो ऐसी गलती है कि नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम, करोगे तो भी प्रॉब्लम। एनीवे छोड़ो। अब देख ऐसा हाँ खाया खाया वो पस्ता है, ना खाया वो भी पस्ता है। तो जाने दो सीरियसली बैठा है ऐसे, मेरे को डर लगता है। हाँ नहीं कुछ खोबड़े सीरियस ही होते हैं। खोबड़े मतलब फेसेस ही सीरियस होते हैं ऐसे। तो कुछ नहीं कर सकता, होता है वैसा। डोंट माइंड है। अब कुछ फेसेस बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते। अब मेरा चेहरा ज्यादा सीरियस नहीं हो सकता। तुम अपने अपने फायदे। एनीवे चल आगे बढ़ो। हमको शादी में लेना देना नहीं, हमको एग्जाम्पल में लेना देना आगे। तो मैं बात एग्जाम्पल में मत घुस जाओ। यहाँ पे आ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, चल तेरे को ले जाओ, तू मेरा भाई है। अब जॉइंट फैमिली है अपनी, जॉइंट फैमिली, पुराने जमाने की फैमिली, 1872 वाला। पुराने जमाने की फैमिली मतलब एक ही यहाँ पे रहते हैं। इनफैक्ट ये भी भूल जाते हैं कि ये वो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। इतना इतना क्लोज रिलेशन होता है, समझा ना। मतलब आज भी गांव में वगैरह होता है तो इसकी बेटी है सपोज ओरिया नहीं ले ना पार्टी इसको, तो अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई तेरे यार पुराने जमाने की बात समझो, बाप के ऊपर सबसे बड़ा बोझ क्या है, बेटी की शादी। तो मैंने उसको बोल दिया कि तेरे को बेटी की शादी का डर है। हाँ भाई साहब, भाई साहब मतलब मैं भाई साहब, हाँ वही बस वही प्रॉब्लम है, बस वो हो जाएगा तो फिर गंगा नहा लूं।
बस इतनी सी बात है ना, टेंशन मत, तेरी बेटी मेरी बेटी, और इट्स लाइक, और बोलने के लिए नहीं, एक ही हो गया ना ऑलमोस्ट, ऑन पेपर अलग है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक ही हो गया, एक ही फैमिली, तो मैंने बोल दिया कि इसके इसका जो भी है ना खर्चा मैं कर देता हूँ, कन्यादान भी मैं ही कर दूंगा, टेंशन मत ले। बस यही सुनना था कि भाई साहब, हाँ बस बोलने के लिए बोलते ना, बड़े पापा ही बोलते हैं देखा जाए तो इट्स लाइक के वैसे भी वो मेरे को बड़े पापा बोलती है, तो भाई शादी का खर्चा मैं ही करवा देता हूँ सर, तू टेंशन मत ले। अब इसको यही सुनना था, हाँ अब गंगा नहाने जाता हूँ हरिद्वार, वहां से सीधा संन्यास, सब मोह माया है, हो गया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, जा भाई मुझे तो यही चीज भी जाए, ये भी जाए प्रॉपर्टी मेरी, हाउ स्मार्ट। तेरे को क्या हुआ, तू क्यों सीरियस हो गया? अरे बराबर सीरियस हो चलेगा, लेकिन सुन रहा है ना, ये समझ में आ गया, अभी इतना बैकग्राउंड देना इसीलिए जरूरी था कि तुमको दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। अब बात समझ, कॉन्ट्रैक्ट इसके और मेरे बीच में हुआ है, शादी के टाइम में इसको पैसा नहीं देता, छूट फाइल कर सकती है क्या ये मेरे आगे, छूट फाइल कर सकती है क्या? बड़े पापा आपने प्रॉमिस किया था, कर सकती है, पर्सनल वगैरह कुछ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस कंडीशन पे वो निकल गया घर छोड़ के, दे घर मेरा, ये तो आ जाएगी, ये तो ससुराल जाएगी ना। अब पुराने जमाने का सीन इमेजिन करने का, जिस वक्त एक बार लड़की ससुराल गई तो गई खत्म, वापस आने का ही नहीं, ऐसे होता था ना कुछ, टिपिकल सीन इमेजिन करो, टिपिकल सीन इमेजिन करो। अब तो मैं भी मेरे ससुराल जाता हूँ, वो अलग बात है, बार बार जाता हूँ, जाना पड़ता है, अलग बात है, लेकिन एक जमाने में ऐसा होता था ना कि एक बार लड़की गई तो वापस तकलीफ होती है उधर ही रहने का, तब तक जो भी ठाट है ना वो यहाँ पे मिल जाएगी, शादी का खर्चा पूरा हम करवा देंगे, उसके बाद नहीं आने का, समझा ना? तो क्या वो शूट फाइल कर सकती है? आंसर इज यस। इनफैक्ट ब्राइड ग्रूम भी शूट फाइल कर सकता है, अगर ब्राइड ग्रूम के पापा और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने ब्राइड ग्रूम मतलब सपोज अभी समझना, ये तेरा ससुर है, डोंट माइंड है, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल देने के, ससुर है तो इसका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं क्या उसको छोड़ना है, तो यह ससुर है, सीरियसली दिखता है वैसे, तो यह ससुर है, समझा ना? तो ससुर है तो इसके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि क्या बोलते हो संदीप जी, सारा खर्चा हमारी तरफ से, आप टेंशन मत लो, बेटे को स्कूटर, स्कूटर नहीं, बेटे को गाड़ी वेड़ी हम दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल, मैंने इसीलिए बोला था पहले, डाउरी वगैरह नहीं बोलने का, ये क्लियर ट्रांजेक्शन है, मेरी इच्छा से दे रहा हूँ, और वो उसी कंडीशन पे शादी कर रहा है, कोई करवा रहा है, समझा ना? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जरूरी है, अगर हम लोग उसमें पार्टी बन जाए तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होता है, समझा? तो अभी इसका बेटा मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है क्या? आंसर इज यस। ब्राइड ग्रूम या ब्राइड कोई भी शादी के खर्चे का प्रॉमिस किया है तो कर सकता है, वैसे ही कुछ दिया है पढ़ लो, अब उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, बराबर दिया तो पढ़ लो, गाड़ी दूंगा तो ही शादी करो, हो सकता है शादी का खर्चा, ए सिर्फ शादी का खर्चा नहीं, शादी के रिलेटेड हर चीज, गाड़ी भी आएगी उसमें, गाड़ी से थोड़ी शादी होगी, हाँ लेकिन आ जाती है, हाँ बिल्कुल बेटा। अरे कितनी बार बोला इससे पहले एग्जाम्पल हो गया,
कंडीशन उसी कंडीशन लड़का लड़की के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है शादी का, तो बहुत पहले डिस्कशन हुआ था, बिल्कुल हो सकता है, उसमें पर्सनल नहीं है मैरिज, पर्सनल नहीं है मैरिज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ऐसा हो सकता है कि मैं पैसे के लिए शादी करूँ। तूने क्या देखा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो भी नहीं देखा। हे भगवान, तुम करते क्यों ऋतिक रोशन? पढ़ाई में भी इतने पढ़ते थे कि भाई एग्जाम, उसमें ऋतिक रोशन के तेरे डायलॉग है कि जेब में अगर बैंक में अगर 250 करोड़ रुपए है तो एंटरटेनमेंट के लिए बीवी की क्या जरूरत। अरे उसका व्यू पॉइंट है, हम इसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं बोल रहे टोटली, लेकिन कर सकते है, समझ रहा, लोग पैसे के लिए शादी बिल्कुल कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कर सकते हैं, तुम नहीं करोगे वो तुम्हारा चॉइस, कोई कर रहा है तो तुम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे रहा है, क्लियर ट्रांजैक्शन है ना, इसीलिए मैं मुस्लिम मैरिज को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो भी है क्लियरली करते, वो नहीं ट्रिपल तलाक नहीं, शादी के रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, तलाक की नहीं, एडवोकेट करो, दो लोगों के बीच में डाउरी सही, क्लियर ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, बाद में रफड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में अगर लड़के वाले मांगे कि एक और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पहले बोला था, ये मुस्लिम मैरिज में क्रिस्टल क्लियर होता है, वो कौन मौलाना वगैरह होता है उसके सामने करते, बहुत अच्छी चीज है, मैं तो बोलूँ कि ये हिंदू में भी होना चाहिए जहाँ पे डाउरी का टेंशन, इधर सिटीज में नहीं होता, इधर तो टेंशन ही नहीं होता। और बेसिक रूल है कॉन्ट्रैक्ट में, सर्टन होना चाहिए, अगर तुम सर्टन नहीं बोल रहे हो, स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हो, तो खत्म मत, तो तुम मांग ही नहीं सकते, क्योंकि फिर तो डिमांड बढ़ती रहेगी ना लड़की के, लड़के के, और ऐसा होता है डाउरी में, थोड़ा सा मांग लेते फिर धीरे धीरे मांगते ही रहते, नहीं तो भाई हम तुम्हारे बेटी को समझ जाओ बात को, ये तो गलत है, मुस्लिम मैरिजेस में ऐसा नहीं होता, विच इज अ गुड थिंग अबाउट मुस्लिम मैरिजेस। मैं धर्म के बीच में नहीं आ रहा हूँ, मैं मैरिजेस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और उसमें अलग लेवल का टॉर्चर होता है, वो उसकी बात नहीं कर रही है। हाँ, वो प्राणी क्यों नहीं आया, वो उधर से चला गया स्ट्रेट अवे। हाँ वो ऐसा भी हो रहा है, जा तू जा, इतना इतना स्वीटली बोला तो उसको नहीं भेजते, तुझे ए तू जा रहे मेरे को उनका कुछ चलता है, डिस्टर्ब मत करो। हाँ बोलो सर, अगर ये शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, शादी हो गई अभी थोड़ी, शादी के पहले मानते इस कंडीशन पर हम शादी कर रहे हैं, इस कंडीशन पर हम शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे अगर तुम इतना इतना पैसा दोगे, नथिंग रॉन्ग, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, नथिंग रॉन्ग, इफ यू हैरिस योर असिस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, स्पाउस या फिर डॉटर इन लॉ, तो गलत है, अदरवाइज वो भी था, अगर वो कंप्लेन करे तो, कंप्लेन नहीं करे तो वो डोमेस्टिक इशू है, मैंने तो पहले ही बोला था क्या डोमेस्टिक इशू में पुलिस बीच में नहीं आती, तो सबको पता होना चाहिए, तुम सीए करो, सीएस करो या साइंस करो, इससे कुछ देना देना नहीं है। सॉरी आ गया, हाँ बोल, वो उन लोग की मर्जी, वो तो रिस्क है ना, वो तो रिस्क है, तो समझो ना बात को, मैं क्या करेंगे, शादी करने का प्रॉमिस था ना, डिवोर्स ना देने का तो कंडीशन नहीं था, वो स्मार्ट निकला, अब उसमें क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं, गलती किसकी है पता है, गलती उसकी है जो पैसे देता है, पैसे लेता है उसकी गलती नहीं, साइन हो रहा है कि साल तक ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वॉइड है, 3 साल तक कम से कम डिवोर्स नहीं देने का, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं कर सकते, मनोनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अहमदाबाद में गुजरात में ये केस हुआ था, और ये समझ लेते इसको ऐसा बोलते है मैत्री संबंध,
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नॉट अलाउड दिया नहीं है लेकिन इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इट इज इमोरल समझा ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अरे देखा वगैरह सीरियल में वगैरह कोई पिक्चर में वगैरह होते है बट वॉइड है ना कौन बोल रहा है इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इलीगल है कोर्ट का वॉइड है कोर्ट का जजमेंट है मेरा नहीं वॉइड एग्रीमेंट हाँ हम हिंदू की बात कर रहे हैं मैत्री संबंध का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक साल के लिए दो साल के लिए करते हैं ये वॉइड बोल रहे हैं इलीगल नहीं बोल रहे कौन रोक अब लड़की की इच्छा है एक साल से लड़की की इच्छा तो क्या प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कि शादी करना अवॉइड नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ये मेरा नहीं है सच ये ऐसा है ना कि अगर ये चीज करेंगे तो सोसाइटी में गलत इमेज तो इमोरल में देखना क्या है और इमोरल पे तुमने आर्ग्यू किया था समझा कुछ क्या बोलता हूँ कॉजेस आर वेरी हाँ नहीं है गलत बात कौन बोल रहा है हाँ तो पहले से डिसाइड करे और डिवोर्स ना दे तो कोर्ट में जा सकते क्या नहीं जा सकते कि दो साल के लिए किया था शादी और दो साल के बाद डिवोर्स देना है ये कॉन्ट्रैक्ट में दिखा है और अभी वो डिवोर्स दे नहीं रही है इमोरल में क्या दिया था अगर ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि दो साल के लिए करते और दो साल के बाद अलग हो जाते तो अभी वाइफ हो नहीं रही है अलग तो हस्बैंड कंपेयर नहीं कर सकता वाइफ को कि डिवोर्स देना ही पड़ेगा ये बात पे तो कोर्ट में जाएगा बताएगा ये देखो कॉन्ट्रैक्ट तो फाड़ देगा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट किसी कोई वैल्यू नहीं है अब ये थोड़ी बोलेगा कि जेल में जाओ ऐसा काम तरीके से सकते हो कोर्ट बोलेगा भाई तुम ठीक मानो नहीं मानो प्रैक्टिकल है जज बोलेगा कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है लेकिन वॉइड है सोचने का ही नहीं आगे कोर्ट का जजमेंट है विच इज वेरी गुड क्यों कर रहे हो फिर मत करो ना ऐसा नहीं चलेगा अच्छा कर रहे हो तो भी एट योर ओन रिस्क करना अगर तुम वॉइड चीजें करते हो तो बिल्कुल कर सकते हो कौन बोल रहे नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हो एट योर ओन रिस्क कोर्ट में नहीं आने का एनफोर्स करने के लिए बात इतनी सी है वॉइड को मैं पहले भी बोल चुका हूँ वॉइड होते नहीं है क्या बिल्कुल होते हैं कौन बोल रहा है वॉइड चीजें नहीं होती वॉइड में प्रॉब्लम यह है कि अगर ना हो तो कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं कर सकते इतनी सी बात है और कुछ नहीं मैंने बोला था कि तुमको डिवोर्स देना पड़ेगा तभी अभी तुम दे नहीं रही हो तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता बेटा म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होता है तो म्यूचुअल कंसेंट से ये नहीं पूछता कि अभी तुमको परमिशन देनी पड़ेगी क्यों क्योंकि तुमने बोला था तभी वो बात है तो अपनी इच्छा से जब चाहे दे सकते हो वो अलग बात होगी वो तो बात ही अलग है म्यूचुअली डिसाइड हो सकता है तो डिवोर्स होते नहीं कि आजकल तो ट्रेंड ही चल रहे वो चलने तो कौन ना बोल रहे अच्छा मेरे वाइफ को पैसे मिलते हैं उसके लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर खुश लोगों के समझा उठेंगे तो मेरी वाइफ खुश ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करता लेकिन अगर आ रहा है तो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं 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 आने का भाई हमको अच्छा नहीं लगता कि लोग बीमार पड़े और मेरे पास है ऐसा थोड़ी बोलेगा भाई आओ इतनी फीस भरो तो लोग आ रहे डिवोर्स करने तो आओ हम करके दे देंगे सिंपल सी बात है प्रैक्टिकल सोचो तो ही समझेगा लॉ नहीं तो नहीं समझेगा लॉ अब तुम इमोशनली सोचते हो तो हम क्या कर सकते हैं हमने थोड़ी बोला है मैंने थोड़ी बोला है कि इमोशनल मैंने पहले ही बोला था कि बी प्रैक्टिकल राइट अब तुम बच्चे हो तो हम क्या कर सकते हैं और ये आज का कैब गया है आज क्या चल रहा है हाँ
चले अरे हाँ ठीक है सॉरी हाँ माइक को बोलो तुमको नहीं बोलो बस पेपर है ट्यूशन है अरे तेरा ये पहला मार्क्स नहीं मिले सेक्शन मत लिखना इफ यू आर नॉट श्योर दिया है मार्क्स मैंने जो नहीं दिया लेकिन कम किया दिया एज एक्सपेक्टेड हाँ यस सर कुछ एक दो छोटे मोटे मिस्टेक्स है चेक कर लेना आई कांट से फ्लॉलेस है आई कांट से फ्लॉलेस है पूरा पेपर लेकिन वेरी 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 नाइस है उसका एक दो छोटा छोटा सा मिस्टेक्स है स्तुति हाँ चेक करना बेटा क्या प्रॉब्लम है कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे मिला होगा लेकिन फिर वो आधा एक पे सेटल कर दिया मैंने एक दो अच्छे भी लिखे आंसर तो दो पेपर से आई गेस आर्यन देख ले क्या लिखा है खुद ही देख आर्ग्यूमेंट करना है तो बोल अंजन बकवास के मार्क्स मैं नहीं देता क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं देती इसलिए मैं नहीं देता दर्शन नॉट गुड इतना आलसी क्यों सारी चीजें खाली हेडिंग लिखेगा तो मार्क्स थोड़ी मिलेंगे सेंटर को एक्सप्लेन तो कर स्पेशल को एक्सप्लेन तो कर और ये पूरा रॉन्ग लिखा है कंटिंजेंट फिर भी एक मार्क दिया क्योंकि थोड़ा सा तो रिलेवेंट है चेक कर पूरा चीज कंप्लीट नहीं होता परफॉर्म होता है इलीगल नहीं होता मॉड्यूल पढ़ के आंसर देना है लेक्चर में क्या सुना था वो आधा अधूरा स्टोर करके नहीं क्योंकि वो आधा अधूरा होगा याद मैंने तो बोला ही नहीं इलीगल लेकिन तुमने समझा होगा भाई समझने का नहीं है मॉड्यूल देखने का है हाँ सट्टा थोड़ी ड्रीम इलेवन थोड़ी इलीगल है वरुण नॉट गुड बट ठीक है ठीक है थोड़ा पेपर गीले हो गया माफ करो ये भी तुमने अभी क्या पता है इससे क्या होगा तीर्थ हाँ वो ठीक है उसका पेपर हाँ ले भाई तू ही ले सकता तभी नीचे बोल के निकला कि मैं ले रहा हूँ ये रेना कौन है मार्क्स देख ले साक्षी हाँ मार्क्स देख ले हाँ ये कौन है स्नेहा ये काम कर हाईलाइट किया कर बीच में क्योंकि ना तेरा प्रेजेंटेशन ना थोड़ा मतलब ना हेडिंग है ना तो हेडिंग कौन सा है एक्सप्लेनेशन कौन सा है बीच में ना पेन से करने का हाईलाइट टेंशन हैंडराइटिंग सुपर है लेकिन यार ऐसे हेडिंग नहीं समझ में आता समझा ना हेडिंग शुड बी हेडिंग ना दिखना चाहिए बाकी कुछ उसके मार्क्स नहीं बैठ होते पेपर चेकर को थोड़ा हल्का रहेगा ना एक दो छोटा मोटा है 226 है हाईएस्ट क्यों नहीं है कुछ छोटा मोटा बता सौम्या गुड गुड वेरी गुड सुपर इनमें आधा मार्क ज्यादा है जो
अब वो आधा मत किधर मिला वगैरह ये एक दूसरे से कंपेयर मत करो, एब्सोल्यूट सेल्स में चेक करना है तो बोलो, क्योंकि इसका कोई रॉकेट सेल्स नहीं होता ना, आधा मार क्यों कट किया वगैरह अंदाज से है मेरे हिसाब से, छोटा मोटा मिशन है क्या हुआ नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से मिलेगा, मैंने जीरो दिया तो बहुत सोच समझ के दिया, एक्सटर्नल फैक्टर होता है लेकिन रूल्स में क्या दिया था देखो, हाँ तो नहीं पढ़ा तो जीरो मिलेगा ना, क्वेश्चन क्या पूछा इधर को कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग नहीं पूछा, तो इधर भी तो रॉन्ग दिया लेकिन देर दिया ना तेरे को, किस बात का दिया देख इधर रॉन्ग है, ये तूने कोलैटरल इन्वॉल्व क्या होता है, ये कोलैटरल इन्वॉल्व क्या होता है, कोलैटरल का मतलब कनेक्टेड कोलैटरल इवेंट, और तो भी तेरे को डेढ़ मार्क दिए, सोच हाँ बोल नहीं है पर मेरे पास फोन में है, क्या प्रॉब्लम है तू बोल ना, कौन सा क्वेश्चन तू कितना मार्क वो देखने का, हाँ तो बोल ना कौन सा क्वेश्चन है, हाँ एक्सेप्टेंस चार खाली लिस्टिंग विषय उसको चार मार्क्स, नहीं 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 दस में से दस में नहीं दे सकता, बाकी कुछ दस में से साढ़े नौ किया क्यों दिया, नौ क्यों दिया वो झगड़ा मत करो, दस में से दस में दे नहीं सकते क्योंकि इंस्टीट्यूट भी नहीं दे रही है, तो क्यों निकालो नहीं वो परफेक्ट है, समझ सुपर पेपर है सुपर, अब मुझे हाईएस्ट क्यों नहीं मिला वो कुछ छोटा मोटा रीजन हो सकता है, जस्ट परफेक्ट उसको 26.5 है ना, इसको 26 है उसको, दिस थ्री पेपर्स आर एक्सेप्शनल, अब भले एक मार्क का उसको एडवांटेज मिला है लेकिन वो बहुत ज्यादा लिखा है उसने कोई चीज, तो उसको थोड़ा तो देना पड़ेगा ना एडवांटेज, तो योर पेपर इज परफेक्ट, डोंट कंपेयर विद हर पेपर कि उसका क्या है, खाली अगर फिर भी कुछ ऐड करना तो सेक्शन और कुछ नहीं रहता, समझ है तेरा, खाली एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन वो है ठीक है, अपना पेपर है तो कंजूसी से यूज किया, इंस्टीट्यूट में पेपर हर बार के यूज करना, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा, हैंडराइटिंग सुपर, नो नीड टू चेंज एनीथिंग, सो दिस इज नथिंग बट वैल्यू एडिशन फॉर यू, बाकी परफेक्ट है, बाकी परफेक्ट है, जस्ट परफेक्ट, तेरे को तो पता है मैंने क्या गलती की है, तो मतलब आई एम नॉट ऐसे नहीं बोल सकता कि तुमने ऐसे कैजुअली कुछ भी लिखा है, सेंसिबल है पेपर, हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, सबका सबका हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूट ना हलचल माफ नहीं करेगी ना, दूसरी बात यह है कि अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मैं लिखता ही नहीं, वो एक है, हाँ भूल तो भी सकती है, भूल मैं भी सकता हूँ, पूरा भूल सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा ही नहीं, मेरे को तकलीफ भी नहीं चाहिए, क्या होगा आधा मार्क कट होगा, अगर चार मार्क के लिए दस हेडिंग है तो हमको तो दस क्रेडिट कवर करने है ना, क्योंकि रूल्स पूरे पूछे तो हेडिंग भी लिखा नहीं लिख सकते, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, लेकिन मैंने बोला कि हेडिंग्स को कवर करो, तो कोई हेडिंग्स कवर ही नहीं किया कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने ऑब्वियसली एक दो तीन चार पांच छोड़ गए, उसको कंफ्यूजन है वो मार्क्स छोड़ो, लेकिन एक दो तीन चार पांच पर्सनली बात करें तो ये लोग छोड़ गए, बाकी सबने कवर ही नहीं किया अच्छे से, हाँ वो टाइप्स ऑफ ऑफर नहीं, टाइप्स ऑफ ऑफर नहीं किया बहुत लोगों ने जनरल, वो गलती दे रही है केसेस, मतलब क्या मैंने थोड़ी बोला केस स्टडी देश वॉज चाहिए, अरे टाइप्स ऑफ जैसे माइनर की नेसेसिटी प्रोवाइड, हां और क्या, हां लेकिन केस सिर्फ माइनर नहीं था उसमें, any person who is not capable to make contact, khali minor nahi hai, minor is the example, to tumko heading sirf heading padte na to bhi paper acha jata, right, 26 nahi milte 27 nahi milte lekin sirf heading karte to bhi tumko 5-6 mark zyada milte at least आंसर नहीं दूंगा मैं, कोई पार्शियलिटी करने का सवाल इसलिए पैदा होता है, इनके पेपर एक्सेप्शनल है, डाउट ही नहीं है,
अब इसका मतलब ये जरूर बिल्कुल नहीं है कि बाद में भी थोड़ा इनके पेपर अच्छे रहेंगे और तू आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता, जाओ बस कंपेयर। मैं एब्सोल्यूट सेंस में पूछता हूं, को डाउट है तो सकते हैं कोर्स किधर एक दो मार गया। हाँ डिसैटिस्फाइड गलती है जिधर तो निकल, 27.5 क्यों दिया वो छोड़, उसके उसमें बात नहीं करते क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट कुछ भरोसा नहीं है, कभी ज्यादा मार्क्स देगी कभी कम मार्क्स देगी, डिपेंड्स उनको कितना रिजल्ट निकालना है। अपने को भाई मार्जिन के साथ पास होना है, वो 80 मिले 60 मिले 70 मिले 60 वगैरह के ऊपर जाए ठीक है, फिर बाद में देखा जाएगा इंस्टीट्यूट जैसे चेक करेंगे। तुम चांस मत दो क्योंकि अगर डिफिकल्ट निकलना स्टार्ट किया चांसेस है कि भाई सिंपल निकले, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पैंडेमिक में एडमिशंस कम हुए वगैरह वगैरह ऐसे सुन रहे थे, एचएम सर ने भी बोला और भी कुछ लोगों ने बोला कि सीए फाउंडेशन को एडमिशंस कम हो रहे तो रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए, ऐसा बोल रहे, ऐसा स्पेकुलेशन है, ऐसा रूल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि उल्टा डिफिकल्ट निकले, पैंडेमिक में जॉब भी कम होंगे, ये भी तो रियलिटी है। तो हमको नहीं पता, कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते कि ये टाइम इजी निकलेगा। वी नीड टू बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट रिजल्ट, 4% निकले 5% निकले, और 4% में हम है तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 96% रिजल्ट निकले पास का और हम 4% में है तो भी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फेल है तो 96 में पास हो गए तुमको क्या लेना देना, तुमको सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट से लेना देना होना चाहिए। इंडिया में कितने परसेंट का रिजल्ट निकलता है इससे हमको लेना देना नहीं होना चाहिए, हमको परफेक्ट लिखना है, बात खत्म। प्रिपेयर इसलिए रहना है कि भाई सब कुछ करो कुछ छोड़ो मत, बाकी कुछ नहीं है। रिजल्ट 4% निकलता है 3% निकलता है वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, रिलेटिव्स में गए तो बोलते हैं बराबर ना, और वो भी वो लोग बोलते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं रहता, वही लोग ज्यादा बोलते हैं। डोंट जस्ट डिसरिगार्ड देम, खाली उनसे आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अननेसेसरी तुम्हारा मूड खराब कर रहे हो। इग्नोर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अब ये क्वेश्चन ना रूल्स रिलेटेड टू कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट 3 साल पहले सी इंस्टीट्यूट ने पूछा था, 6 मार्क के लिए पूछा से 6 मार्क के लिए ही आया है क्वेश्चन 3 साल पहले, अभी भी आ सकता है, नहीं तो उसके ऊपर कोई केस स्टडी आ सकती है। अभी केस स्टडी तो मैंने कवर नहीं की बिकॉज इट इज द फर्स्ट पेपर, तो कैसे करेंगे ना, मेरे को कैजुअल इंस्टीट्यूट का बंदा। मेरा तो मेरा यही मानना रहता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में 2 तरीके से पेपर चेक होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि बंदा कितना सिंसियर है वो भी देखा जाता है। केस स्टडीज में वही पता चलता है कि बंदा कितना सिंसियरली पढ़ा है, कितना सिंसियरली रटा है, नहीं रटना एक बात है, डोंट माइंड बोल रहा हूँ, और उसको समझ के याद रखना अलग बात है। समझ के याद रखेगा वो बंदा, वही बंदा केस स्टडीज अटेंड कर पाएगा, अदरवाइज केस स्टडीज अटेंड नहीं कर पाएगा। ये बोलने की जरूरत नहीं कि जो समझ के बाहर कर लेता है वो तो मेरिट लेगा, लेकिन मतलब बाहर भी है और कॉन्सेप्ट भी बन रहा है। 60 मार्क्स में से 40 मार्क का केस स्टडी आ सकता है, 45 मार्क्स का भी आ सकता है, 48 मार्क्स का भी आ सकता है, 10-12 मार्क तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। क्लियर है? पर हमको नहीं पता, हमको सच में नहीं पता कि कितने मार्क्स का केस स्टडी आएगा, कितने मार्क्स का। अगर कोई तुमको बोल रहा है ना कि इतने मार्क्स का केस स्टडी आएगा तो वो तुक्का लगा रहे, जैसे अभी लगा रहे ना शेयर मार्केट में तुक्का। 100% एक्यूरेसी तो कोई नहीं बोल सकता है कि कल सेंसेक्स ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कंफर्म। हाँ अंदाज से बता रहे हैं, अंदाज सही भी जा सकता है, अंदाज गलत भी जा सकता है। ऐसा अंदाज अगर सही जाना लगे तो भाई कमा लेंगे हम लोग, मैं सब छोड़ छाड़ के वही कर लू। समझ में आ रहा है ना, जो लोगों को मार्केट पता है वो लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा कि बहुत लोग अपना अपना स्पेकुलेशन बोलते हैं, तो बहुत लोग अपना अपना स्पेकुलेशन सीए इंस्टीट्यूट में भी बोलते हैं कि ये टाइम दे पक्का इजी निकलेगा। क्यों इजी निकलेगा? ऐसे ही क्योंकि इतने साल से डिफिकल्ट निकल रहा है, पैंडेमिक है, बहुत कम एडमिशन हुए, निकलेगा। हाँ लॉजिक है, लॉजिक है, लेकिन जरूरी नेक्स्ट टाइम इजी निकले, तुम्हारा डिफिकल्ट निकले, ऐसा भी हो सकता। हमको चांस ही नहीं देना, नहीं तो 6 महीना कौन वेट करेगा, 6 महीने का लॉस समझते हो, एक अटेम्प्ट आगे जाते
तुम इस वाले में हो तो भी सी, लेकिन तीन टॉप जो टॉप मोस्ट टॉपेस्ट है टॉपर्स है उसमें से फर्स्ट वो ठीक है वो अभी एस वाई जी सी हो गई। मैं थोड़ा पर्सनली लूंगा लेना पड़ेगा, बाकी दो एस वाई जी सी के तो जिन लोग का एग्जाम नजदीक है उनके मार्क्स नहीं है वो भी एस वाई जी सी के, उसको एक्सेप्शनल मार्क्स नहीं है लेकिन उसने अटेम्प्ट ठीक ठाक किया है। क्या गलती की है तेरे को पता है वो, तुमको लग रहा है पर्सनली दे रहा हूँ तो भाई पर्सनली मतलब थोड़ी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ मैं, पेपर के लिए बात कर रहा हूँ बराबर ना। तुमको पता है तुमने क्या किया, पढ़ा नहीं है कल के लेक्चर पे मैं तेरे को पकड़ा, तुमने पढ़ा नहीं है, पकड़ा ना दो बार पकड़ा दो जगह पे पकड़ा कल के लेक्चर में। और मैं ज्यादा नहीं इस पर टाइम वेस्ट कर सकता क्योंकि आई नीड टू कंप्लीट द सिलेबस एएसएपी, नहीं तो मैं हर लेक्चर में पकड़ लेता था कौन किधर कर रहा है, लेकिन अपने पास वो टाइम नहीं है करने के लिए। आई विल अज्यूम कि तुम लोग पढ़ रहे हो, आई नीड टू अज्यूम, प्रोफेशनल कोर्स है, एसवाईजीसी नहीं है आठ महीने पढ़े और दूसरा सिलेबस है, नहीं है भाई एसवाईजीसी से कंपेयर मत कर सीए फाउंडेशन, थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा है। और दूसरा चैलेंज ये है कि भले तुम्हारे पास छह महीना ज्यादा है या एक साल ज्यादा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक टाइम पे इतना सारा याद रखना डिफिकल्ट है तो दो साल बाद देगा तो भी समझा, और अगर हो भी जाएगा फाउंडेशन तो इंटर नहीं हो पाएगा, तो इंटर के लिए तो उतना ही पीरियड है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मुझे तो पता है हर साल का रोना है हमारे लिए। You need to be sincere. तुमने पर्सनली नहीं लिया उसको, तुमको तुमने जो मैंने उसको चिल्लाया वो अगर तुम पर्सनली लेती कि सर को अभी दिखा के बता मतलब दिखा लेती हो एग्जाम में तो मुझे और अच्छा लगता, चैलेंज दो ना मुझे हराओ ना मुझे अच्छा है, मुझे थोड़ी जीतना है, देखा मैंने बोला था ना तो नहीं हो पाएगी, देख पेपर देख चलेगा ये मुझे इसमें अच्छा लगेगा क्या, तुम बोलो तेरा पेपर अच्छा होता तो मुझे और अच्छा लगता ना, अब क्या है मुझे सिर्फ मेरे प्रेडिक्शंस राइट जा रहे इतना इसमें इसमें क्या की खुशी है, ये क्या खुशी हुई, अब उससे तो एक्सपेक्टेड था इन दोनों से भी एक्सपेक्टेड था, इतना नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग पर सुपर एक्सीलेंट इन दोनों से एक्सपेक्टेड था, पता चलता है ना थोबड़े सिंसियर थोबड़े फेसेस इन दोनों से एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा ही करेंगे, पता चलता ना सिंसियरिटी समझो, क्लियर है, अब बहुत हो गया इतना डिस्कशन, कोई पर्टिकुलर डाउट है उसके ऊपर पेपर के ऊपर, एनी पर्टिकुलर डाउट नहीं बोल, अभी इसमें नहीं पता नहीं लिख सकते हैं अगर श्योर हो तो, नहीं तो नहीं लिखने का इसका मार्क्स कट भी है, अगर वो सेक्शन नहीं लिखती तो उसको दो मार्क्स ज्यादा मिलते डेढ़ दो मार्क, नहीं लिखती तो राइट लिखती तो अलग बात है, नहीं लिखती तो भी उसको डेढ़ मार्क्स ज्यादा मिलता, अब एक डेढ़ मार्क की अपनी वैल्यू है क्योंकि एक दो मार्क्स से फेल हो सकते हो, अपनी वैल्यू एक मार्क की, उसको पूछो जो एक मार्क के लिए फेल हुआ है वो बता देगा तुमको कि उसकी क्या वैल्यू होती है। लास्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड है असाइनमेंट वर्सेस सक्सेशन, यूनिट फोर में आता है क्योंकि असाइनमेंट आज के लेक्चर में हुआ था इसलिए ये बता रहा हूं, यूनिट फोर में आता है, इसमें दो पार्टीज असाइनर एंड असाइन, असाइनर ट्रांसफर्स राइट और असेट, ए फॉर असाइनमेंट ए फॉर असेट, असाइनी मतलब इधर था ना डेटर्स, तो असाइनर ने डेटर्स असाइनी को ट्रांसफर कर दिया, बराबर ना याद है ना, इसमें खाली असेट ट्रांसफर होगा, इसमें तो पूरा बैलेंस शीट ट्रांसफर होगा, पेपर में बैलेंस शीट नहीं लिखना है, असेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज, सक्सेशन मतलब सर अरे भाई फादर में फादर के पास सारी प्रॉपर्टी सन को, अभी फादर की जो बैलेंस शीट है पूरी की पूरी वो सन के नाम पर ट्रांसफर होगी,
पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफर होगी। अब बैलेंस शीट में तो असेट्स भी आएंगे, लाइबिलिटीज भी आएंगी। क्लियर है? सक्सेशन क्लियर? पक्का? अब क्वेश्चन ये है कि किसी फादर ने अगर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी दी और 350 करोड़ का लोन था, अब बात यह है कि 300 करोड़ तो भरने पड़ेंगे, 50 करोड़ बेटे को अपने जेब से भरने पड़ेंगे फॉर द लोन ऑफ फादर। इधर से देखा रहे नहीं है तो पूरा लूट जाएगा, लूट जाएगा ना। अरे हाँ, लेकिन जितना असेट्स आएगा उतनी ही देनी पड़ेगी क्या? नहीं। अरे वाह, मतलब गांव के ताऊ उन्होंने तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, गांव के कोई ताऊ तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी करके गए। अगेन भाई, 300 करोड़ का लाइबिलिटी, 350 करोड़ का लोन, तो क्या करोगे? 50 करोड़ घर से दोगे? हमारे ताऊ कितने प्यारे, 50 करोड़ का लाइबिलिटी दे दिए। क्या फर्क पड़ता है? सक्सेशन सक्सेशन है। ताऊ बेटा, तुम अगेन इमोशनली सोचते हो, प्रैक्टिकली सोचना है। फादर के डेट्स के लिए सन बिल्कुल लायबल नहीं है। ये थोड़ा सा डिस्कशन अलग कॉन्टेक्स्ट में पहले हो चुका है। मैं क्यों भरूं? मैं नहीं भरूंगा। हाँ, जितना असेट्स होता देना पड़ेगा, पर इस केस में मैं लायबल नहीं हूँ, ये लायबल है, इससे ले लो ना। मैं थोड़ी लायबल हूँ। फादर ने कितना प्रॉपर्टी दिया है, 300 करोड़, ले लो पूरा, ले लो, वो देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा, उसमें 1 रुपया भी नहीं रख सकते, पूरा दे दो। लेकिन भाई जेब से क्यों दू? अच्छा दे सकते हो? अरे देने के लिए तो क्या कोई भी कर कुछ भी कर सकते हो, देना जरूरी है क्या? नहीं। सक्सेशन में ओनली लाइबिलिटी, असेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ आर ट्रांसफर। लेकिन बात समझो, दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली असेट्स है ना कॉन्सेप्ट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल होती है, इसमें नहीं, इसमें लिमिटेड। लेकिन पेपर में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो कि द लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, कम अंडर सक्सेशन फ्रॉम द फादर टू द सन। असाइनमेंट में तो टेंशन ही नहीं है रे, खाली असेट्स ही जाते हैं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो मेरा लाइबिलिटीज में क्रेडिटर था ना, आज से तेरा। क्या असेट्स थोड़ी है, लाइबिलिटीज ऐसे थोड़ी दोगे, कोई थोड़ी देगा। बोल जाओ, रिस्क तो है बिजनेस में, किस कैसे भगवान से मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। हाँ एकदम सिंपल है, तू बहुत सोचता है, बेचारों को क्या होगा। मैं बोला ना, इनोसेंटली सोच रहा हूँ, जब वो एसेट एंजॉय कर रहे हैं, फिर तरह लायबिलिटी उसपे पे कर दे दिया ना भाई, एसेट एंजॉय कर रहा ना, दे दिया ना एसेट पूरा का पूरा, ले लो पूरा ले लो, 1 रुपया एसेट नहीं एंजॉय कर रहा हूँ, 50 करोड़ की खुशी में दूर है मैं। इमोशनली सोचने का नहीं, स्पेशली गर्ल्स और तुम नहीं, नहीं वैसे तो मुझे नहीं, तुम मतलब तुम इमोशनली सोचते हो इसके। यूजुअली गर्ल्स इमोशनली सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकली नहीं सोचते। रॉन्ग जाएगा आंसर और क्या, क्योंकि केस स्टडी कुछ अजीब भी देते हैं यार, ए बी सी डी जो भी है फलाना ढिंका, तो उसमें तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल नहीं है तो आंसर रॉन्ग जाएगा तेरा। असाइनमेंट सक्सेशन क्लियर है, यूनिट स्कोर में आता है, बाद में चेक कर लेना, मैं वापस नहीं बताऊंगा, तुम खुद पढ़ोगे। असाइनमेंट वर्सेस सक्सेशन, असेट्स ओनली असेट्स और प्रॉपर्टीज आर असाइंड बाय द असाइनर टू द असाइनी, एग्जांपल डेटर्स का लिख सकते हो। सक्सेशन में बोथ असेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज, पूरा बैलेंस शीट नहीं, मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ पूरा बैलेंस शीट, लेकिन लाइबिलिटीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ असेट्स। क्लियर?
अब उसको अपने स्टाइल में तुम लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है जो मॉड्यूल में दिया एज इट इज पढ़ने की, मतलब एक बार पढ़ लो समझ में आ जाएगा, छोड़ दो। एक एग्जाम्पल दे देना, क्वेश्चन सीधा पूछेंगे असाइनमेंट वर्सेस सक्सेशन, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बोला वैसे केस स्टडी आ जाए, तो वो भी सिंपल है। क्लियर? ये किधर आता है? यूनिट फोर, यूनिट टी, यूनिट टू कम्प्लीट, यूनिट वन, यूनिट सिक्स भी कम्प्लीट हो चुका है, फोर एंड थ्री भी कम्प्लीट हो चुका है, फोर्थ एंड फिफ्थ बाकी, तो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों छोटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। प्लीज।